मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और आपकी लाइफ कोच। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि ईर्ष्या की भावना से छुटकारा कैसे पाएं, हाउ टू गेट रिड ऑफ जेलेसी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या की भावना का शिकार तभी होता है जब वो उन चीजों को और क्वालिटीज को दूसरों के पास देखता है जिन्हें वो चाहता है कि उसके पास हो पर होती नहीं है। जेलिसी की फीलिंग कोई परमानेंट फीलिंग नहीं है, समय रहते राइट एटीट्यूड डेवलप कर लिया जाए तो आप इस फीलिंग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सही समय पर इस भावना को पहचान कर कंट्रोल ना करने की वजह से आप अपनी जिंदगी में गलत रास्तों पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको भी किसी के पास कुछ ज्यादा देख कर दुख होता है या बुरा लगता है तो आपको आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ये फीलिंग्स ईर्ष्या की भावना की शुरुआत हो। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ईर्ष्या की भावना का शिकार है तो उसके साथ आप इस वीडियो को हमेशा के लिए शेयर कर सकते हैं और नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ईर्ष्या भी एक भावना है और इस भावना को दूर करने के लिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहना होगा। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको किन वजहों से ईर्ष्या महसूस होती है, क्योंकि अगर उन कारणों का जल्दी ही पता न लगाया जाए तो आपको उन्हें दूर करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी। आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर अलर्ट और कॉन्शियस रहने की जरूरत है। आपको अपने किन विचारों पर पाबंदी लगानी है इसका बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि खुद को दूसरों से कम समझने की वजह से अक्सर आपके दिमाग में ईर्ष्या अपनी जगह बना लेती है और इस वजह से आप अंदर ही अंदर दुखी रहने लगते हैं और इस तरह से दुखी रहने की वजह से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रुक जाता है। यदि किसी दूसरे की किसी क्वालिटी को देखकर आपको जेलसी फील होती है तो आपको उससे जेलस फील करने की जगह इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसने खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत की है, और अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी उन क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। और इस तरह से सोचने के बाद भी अगर आपको ईर्ष्या महसूस हो रही है तो आपको ये मानना चाहिए कि भगवान ने इस दुनिया में हर इंसान को अलग अलग हुनर के साथ भेजा है, और अगर आप अपनी उस प्रतिभा को निखारने के लिए मेहनत करेंगे तो आप भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल होंगे। और सोचिए कि आपको किसी दूसरे इंसान से ईर्ष्या क्यों महसूस होती है, क्योंकि वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। किसी भी तरह की जेलिसी के पीछे दो तरह की फीलिंग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो है दूसरों के साथ कंपैरिजन और जरूरत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्प्रिट अपने अंदर रखना। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्प्रिट व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करती है, और वहीं हर काम में दूसरों से आगे निकलने की होड़ व्यक्ति को गलत रास्तों की तरफ और ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देती है। अगर आप अपनी जिंदगी में ईर्ष्या से बचकर रहना चाहते हैं तो आपको जरूरत से ज्यादा दूसरों के साथ अपनी तुलना और जरूरत से ज्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना से बचकर रहना होगा। आप तब भी जेलस फील करते हैं जब आप ब्लेम गेम में इन्वॉल्व होते हैं और आपको लगता है कि आप दूसरों को ब्लेम करने में उनसे पीछे रह गए। आरोप प्रत्यारोप से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि आप सही हैं तो आपको किसी को भी कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आरोप तभी लगाते हैं जब आप खुद को सही साबित करना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको ब्लेम गेम में इन्वॉल्व होने से पहले इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि जब आप किसी दूसरे के ऊपर अपनी एक उंगली उठाते हैं तो आपकी ही चार उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। आप जो भी फील करते हैं उसे ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें, क्योंकि जब मन की बातें मन में ही रह जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें ईर्ष्या का भाव ले लेती हैं। इसलिए अपने विचारों को ईमानदारी के साथ व्यक्त करें। जब आप अपने विचारों को ट्विस्ट करके एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाले के माइंड में कंफ्यूजन बढ़ता है और आप भी हमेशा संशय में रहते हैं कि किससे क्या कहना है। जब आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर नहीं कर पाते तो आपकी ये फीलिंग्स नेगेटिव फीलिंग्स बन जाती हैं, और नेगेटिव फीलिंग्स में सबसे पहले जेलसी की फीलिंग आती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जल्दी किसी ना किसी के साथ जेलस फील करने लगते हैं तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जो आपने अपने मन में दबा रखी हैं। जब आप खुद की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और अपनी क्वालिटीज को इग्नोर करते हैं
तो आपके पास एक भी वजह नहीं होती है खुद को प्यार करने की, और आप दूसरों को खुश रहता हुआ देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। पर जब आप खुद का ध्यान देते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो आप भी खुश रहने लगते हैं, और खुश रहने की वजह से ईर्ष्या और जलन जैसी नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आती। खुद को खुश रखने के लिए अपने पसंद की जिंदगी जीना शुरू करें। आपकी लाइफ आपकी पसंद और नापसंद पर चलनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के हिसाब से चलने का मतलब होता है आपका विश्वास खुद पर से कम होना, और लो कॉन्फिडेंस जेलेसी की फीलिंग का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। ईर्ष्या की भावना से खुद को हमेशा दूर रखने के लिए आपको ये मानना चाहिए कि ईर्ष्या की भावना एक कमजोर भावना है, और ये आपके मन को कमजोर बनाती है, क्योंकि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो कभी भी जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि ईर्ष्या की भावना आपको अंदर से कुछ नहीं होने का एहसास दिलाती है, और ईर्ष्या तभी होती है जब आप किसी को खुद से ज्यादा मानते हैं। अगर आप भी किसी के साथ जेलस फील कर रहे हैं, तो आज के वीडियो के पॉइंट्स ध्यान में रखकर बिहेव करें, जिससे ईर्ष्या की भावना आपकी पर्सनालिटी पर कोई गलत असर ना छोड़ पाए। और अगर अभी तक नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहें, और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें।